राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार का बड़ा नाम है, शेयर बाजार की भाषा में कहें तो बिग बुल। झुनझुनवाला 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की थी। स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी या तेजी के लिए बुलिश टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राकेश झुनझुनवाला से मिलकर खुशी हुई, जो भारत को लेकर बहुत बुलिश हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राकेश झुनझुनवाला के बीच हुई ये मुलाकात ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी। ट्विटर ट्रेंड में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ट्वीट की गई तस्वीर के अलावा एक और तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में राकेश झुनझुनवाला कुर्सी पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने आगे की ओर हाथ बांधे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर पर विपक्ष, आलोचकों और आम यूजर्स की तरफ से तरह तरह की टिप्पणियां आईं। लेकिन इसकी आलोचना करना उतना सीधा मसला भी नहीं, इसका व्यवहारिक पक्ष भी हो सकता है, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए ये कुछ ट्वीट्स। सरकार की विनिवेश नीतियों को निशाना बनाते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए शहंशाह ए बर्बादी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, भारत की सरकारी परिसंपत्तियों को बेचने वाले सबसे बड़े व्यापारी ने भारत के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर से मुलाकात की, अब क्या बेचने वाले हो शहंशाह ए बर्बादी। कांग्रेस के सोशल मीडिया के सदस्य विनय दोकानिया ने भी तस्वीर पोस्ट की है। सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर किताब लिख चुकी पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने भी तस्वीर शेयर की और लिखा, क्या कोई अरबपति भारतीय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकता है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के राष्ट्रीय संयोजक गौरव पांधी ने भी ये तस्वीर शेयर की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर से तुलना करते हुए पांधी ने जताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन के सामने अरबपति हाथ बांधे हुए खड़े होते थे और मोदी अरबपति के सामने हाथ बांधे हुए खड़े होते हैं। इस तस्वीर को लेकर एक नजरिया आलोचना से इतर भी रहा। आर्थिक मामलों के पत्रकार रहे और अब स्टॉक मार्केट रिसर्च फर्म चला रहे वरिंदर बंसल ने फोटो को ट्वीट करते हुए कहा, मुझे याद करवाइए अगर किसी प्रधानमंत्री ने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से मुलाकात की हो, वाह मोदी जी सम्मान। इस तस्वीर को इंटरनेट पर पोस्ट करने वाले शुरुआती लोगों में वरिंदर बंसल भी हैं। ट्विटर यूजर शिवाजी शुक्ला ने ट्वीट किया, लगता है प्रधानमंत्री के लिए फैन मोमेंट की तरह है, प्रेरणा के लिए इस फोटो को सेव कर लें, हैशटैग राकेश झुनझुनवाला, हैशटैग बिग बुल। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और राकेश रेखा झुनझुनवाला की इस तस्वीर का एक पक्ष राकेश की सेहत से जुड़ा हुआ है। दरअसल राकेश झुनझुनवाला डायबिटीज के मरीज हैं, लंबे समय से व्हीलचेयर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। YouTube पर कई वीडियोस उपलब्ध हैं जहां झुनझुनवाला को व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे ही एक वीडियो में वो व्हीलचेयर पर बैठे बैठे कजरारे गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली में राकेश झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से भी मुलाकात की। निर्मला सीतारामन के ऑफिस हैंडल से हुए ट्वीट की इस तस्वीर में झुनझुनवाला को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा जा सकता है। साल 2010 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बातचीत में झुनझुनवाला ने बताया था कि वो डायबिटीज के मरीज हैं। शराब और सिगार की आदतों पर बात करते हुए झुनझुनवाला ने कहा था कि उन्हें एहतियात बरतने की जरूरत है। राकेश झुनझुनवाला ने कहा था, मैंने एहसास किया है कि मुझे कड़े अनुशासन का पालन करना होगा, मैं डायबिटिक हूँ और मछली की तरह पीता हूँ, मछली के पानी में रहने से तुलना शराब से करते हुए, मैं मेरे जुड़वा बेटों को 25 साल का होता देखना चाहता हूँ। YouTube पर उपलब्ध वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में राकेश झुनझुनवाला को डायबिटिक फुट होने की बात लिखी गई है। डायबिटिक फुट के ज्यादातर मामलों में पांव में दर्द, सूजन और कई बार तो कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। सीतारामन झुनझुनवाला की तस्वीर को गौर से देखने पर यह पता चलता है कि झुनझुनवाला ने आम जूते नहीं पहने हुए बल्कि एक खास तरह के फ्लोटर्स पहने हुए हैं। सोफे पर बैठे व्यक्ति के साथ तुलना करें तो झुनझुनवाला के फ्लोटर्स बड़े नजर आते हैं। हो सकता है जैसा यूट्यूब वीडियोज में दावा किया जा रहा है, झुनझुनवाला डायबिटिक फुट से ग्रसित हो, इसलिए उन्हें खड़े होने या फिर चलने में दिक्कत आती हो। प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से भी जो तस्वीर पोस्ट की गई है उसमें भी झुनझुनवाला सहज नजर नहीं आते। उनका शरीर बाईं ओर झुका हुआ है, हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाने के लिए कुछ वक्त के लिए कुर्सी से उठे हों। आपका क्या नजरिया है इस पूरे प्रकरण पर कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी रजत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।